होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें। तेल के बिना खाने की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये हमारे खाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर घर में तेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, जिसके कारण कई तरह के तेलों की मांग रोज बढ़ रही है। अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आप तेल का होलसेल बिजनेस कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इस बिजनेस को आप तीन तरह से शुरू कर सकते हैं। पहले तो आप चाहे तो किसी बड़ी कंपनी की डीलरशिप ले सकते हैं, जैसे फॉर्चून, डालडा आदि, या फिर किसी छोटे और कम पॉपुलर ब्रांड से सामान लेकर बेच सकते हैं। एक और तरीका है, आप चाहे तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेकर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब पहले से जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे सामान लेकर बेच सकते हैं। कितनी जगह की आवश्यकता होगी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए? आपको कुल जगह लगभग 1500 से 2000 स्क्वायर फीट चाहिए होगी। इन्वेस्टमेंट कितना होगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए? आपको लगभग 5 से 7 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुनाफा कितना होगा? अगर मुनाफे की बात करें तो इस बिजनेस में मुनाफा आपकी सेल पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा आप सेल करते हैं उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अगर आप ब्रांडेड कंपनी से डीलरशिप लेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा और अनब्रांडेड प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा होगा। ब्रांडेड प्रोडक्ट में आपको 5 से 10% तक मार्जिन मिलेगा, वहीं अनब्रांडेड में 15 से 20% तक मार्जिन मिलेगा। ब्रांडेड प्रोडक्ट में आगे जाकर आपको फायदा ही होगा, उनका प्रोडक्शन हमेशा बिकेगा तो नुकसान कम होगा, वहीं अनब्रांडेड प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं है। कहां से खरीदें? तेल लेने के लिए आपको डायरेक्ट कंपनी से माल लेना होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा क्वांटिटी में आप माल लेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। या आप चाहे तो किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से, जिसके पास पहले से ही डीलरशिप हो, उससे सामान ले सकते हैं। तो आज हमने आपको इस वीडियो में तेल के बिजनेस की पूरी जानकारी दी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।